Dear children, before I start this story, I must tell you that the dog and the wolf are closely related. प्यारे बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुत्ता और भेड़िया एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार हैं. They are the members of canidae family and called canids. इनके और किन्समैन यानि रिश्तेदारों में जैकॉल, फॉक्स, कोयोट, एशियन ढोल आदि आते हैं. Dear children, you may already know about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. प्यारे बच्चों, हो सकता है कि आपको पहले से ही पता हो कि कैसे मनुष्यों ने कई सदियों में जंगली जानवरों को नियंत्रित किया, टेम किया और उन्हें पालतू बनाया यानी डोमेस्टिकेट किया. So here is a story about how the dog became a tame animal. तो पेश है आपके लिए एक कहानी कि कैसे कुत्ता एक नियंत्रित पालतू जानवर बना. So the title of the story is How the Dog Found Himself a New Master. इस कहानी का शीर्षक है कैसे कुत्ते ने पाया अपना नया मालिक. मालिक माने मास्टर. मास्टर यानी बॉस. बच्चों, यहाँ मैं टाइटल के बारे में दो बातें बताना चाहती हूँ. पहली बात कि जब भी हम किसी कहानी का शीर्षक यानी टाइटल लिखते हैं तो उसके हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, मगर आर्टिकल ए एन डी अगर टाइटल में आते हैं तो उनको हम स्मॉल ही लिखते हैं. इसी तरीके से अगर उसमें प्रेपोजिशन जैसे कि ऑफ, टू, फॉर, फ्रॉम ये सब आते हैं तो उनको भी हम स्मॉल लिखते हैं, मगर बाकी सबके पहले लेटर हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल में लिखते हैं. बच्चों, आप टाइटल में एक वर्ड हिमसेल्फ देख रहे होंगे, तो दूसरी जो बात है वो हिमसेल्फ से ही संबंधित है. हम ये हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्फ कब यूज़ करते हैं? तो इसका यह रूल है कि जब किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के एक्शन का या काम का इफेक्ट, प्रभाव उसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु पर पड़ता है तो हम अगर ही है तो हिमसेल्फ यूज़ करते हैं, शी है तो हरसेल्फ यूज़ करते हैं, दे है तो देमसेल्फ यूज़ करते हैं, आवर अपने एक्शन है तो आवर सेल्फ और मेरे खुद के एक्शन है तो माई सेल्फ यूज़ करते हैं. यदि कोई जानवर या निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? इटसेल्फ. मगर आप टाइटल में देख रहे होंगे कि कुत्ता तो जानवर है, उसके लिए हमने हिमसेल्फ लगाया, क्योंकि इसमें हम कुत्ते को एक आदमी का रूप दे रहे हैं, मतलब सजीव चीज़ का रूप दे रहे हैं कि वो कैसे खुद के लिए, अपने लिए एक मास्टर ढूंढता है, अपने काम को करने के लिए निकल पड़ता है. तो उसे एक हमने व्यक्ति का रूप दे रखा है कि वो सोचता है, समझता है और एक्शन लेता है, तो इसलिए हमने हिमसेल्फ यूज किया है. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स. कभी कुत्ते अपने मालिक खुद हुआ करते थे. एंड लिव द वे वुल्स डू. और कैसे जीते थे? जैसे भेड़िए जीते थे. इन फ्रीडम, आज़ादी में. अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न. जब तक कि कोई एक ऐसा कुत्ता नहीं पैदा हुआ हु वॉज इल प्लीज्ड विद, जो कि ना खुश था दिस वे ऑफ लाइफ, इस तरीके की जिंदगी जीने में. वह सिक, वो बहुत परेशान हो गया था. यहाँ सिक का मतलब बीमार हो जाना नहीं है, यहाँ सिक का मतलब है बहुत परेशान हो जाना. एंड टायर्ड ऑफ, और बहुत थक चुका था. Wandering about by himself, अपने आप में इधर उधर घूमते हुए. Wandering about माने इधर उधर घूमना. By himself यानी अपने आप में, अकेले अकेले में इधर उधर घूमते हुए. किसके लिए? Looking for food, खाने की खोज में, भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते हुए वो बहुत परेशान और थक चुका था. And being frightened of those, और किससे वो थक चुका था, परेशान हो चुका था? डरते हुए. किन लोगों से डरते हुए? किन से डरते हुए? Who were stronger than he, उन लोगों से, उन जानवरों से डरते हुए जो कि उससे ज़्यादा, कुत्ते से ज़्यादा क्या थे? ज़्यादा शक्तिशाली थे. He thought it over, उसने इस पर विचार किया. And decided, और निश्चय किया. That the best thing for him to do, उसके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा करने के लिए? कि was to become the servant of one, कि वह
किसी एक ऐसे का सेवक बन जाए, बिकम माने बन जाए, सर्वेंट माने सेवक, कि वह किसी एक ऐसे का सर्वेंट बन जाए हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो कि क्या हो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो निकल पड़ा ऐसे किसी मालिक की तलाश में. सेट आउट मतलब निकल पड़ना, किसी चीज, किसी यात्रा को शुरू करना, किसी काम के लिए निकल पड़ना, शुरुआत कर देना. ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, वो चलता गया और वो चलता गया. एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, और उसको कौन मिला, अपना एक किन्समैन मिला. किन्समैन यानी अपना कोई रिलेटिव, परिवार का सदस्य, दूर परिवार का सदस्य किन्समैन कहलाता है. अ बिग वुल्फ, कौन था ये किन्समैन, एक बड़ा सा भेड़िया. हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, वो उतना ही शक्तिशाली था जितना कि वो क्या था, खूंखार. फियर्स माने खूंखार. वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने क्या पूछा उस कुत्ते से, तुम कुत्ते कहाँ जा रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ, किसी को खोज रहा हूँ, टू टेक अप सर्विस विद, जिसकी मैं सेवा कर सकूँ, जिसका मैं क्या बन सकूँ, सेवक बन सकूँ, सेवा कर सकूँ. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या आप मेरे मालिक बनना चाहेंगे भेड़िए. भेड़िए ने क्या जवाब दिया, आई डोंट सी वाई नॉट, मुझे ऐसा कुछ भी इसमें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा मालिक क्यों ना बनूं. वाई नॉट, द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा. एंड दिस अग्रीड अपॉन, और इस पर दोनों सहमत हो गए कि हाँ, कि कुत्ता क्या बन जाए, सर्वेंट बन जाए, और वुल्फ क्या बन जाए, मास्टर बन जाए. द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, यह सहमत हो गया जब, तो दोनों साथ ही साथ निकल पड़े आगे. दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, बच्चों जब कभी हम ऐसे बोलते हैं, दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, इसका मतलब होता है वो चलता गया, वो चलता गया, यानी वो काम काफ़ी समय से चल रहा है. शी टॉक्ड एंड शी टॉक्ड, वो बातें करती गई, बातें करती गई. तो इसी तरीके से दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते गए और वो चलते गए. एंड ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़िए ने अपनी क्या उठाई, नाक उठाई, स्निफ्ड, और उसने सूंघना शुरू किया, जैसे कुत्ते सूंघते हैं ना, ऐसे ऐसे सूंघना शुरू किया. डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, वो जो रास्ता था, पाथ था, उससे वो अचानक से तेजी से क्या हुआ, हट गया. एंड इन टू द बुशेस, और किस में घुस गया, झाड़ियों में घुस गया. एंड क्रैप्ट यानी क्रैप्ट यानी क्रीप, क्रैप्ट क्रैप्ट यानी धीमे धीमे चुपके चुपके घुसता गया, चलता गया डीपर इन टू द फॉरेस्ट, और जंगल में चुपके चुपके अंदर ही अंदर घुसता गया, घुसता गया. द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, डॉग ने ऐसा देखा तो डॉग क्या हुआ, बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया. उसने पूछा, वॉट हैज कम ओवर यू मास्टर, क्या हुआ मालिक आपको, वॉट हैज फ्राइटेंड यू सो, किसने आपको इतना डरा दिया. तो भेड़िए ने इसका क्या जवाब दिया, कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते हो, देयर इज अ बेयर आउट देयर, वहां क्या है, एक भालू है. एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को खा सकता है, यू एंड मी. ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, वो हम दोनों को ही खा सकता है. सीइंग दैट द बेयर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, द डॉग सेड, ये देखते हुए कि भालू भेड़िए से ज्यादा ताकतवर है, कुत्ते ने कहा, वेल देन, अच्छा तो आई विल से गुड बाय टू यू वुल्फ, भेड़िए मैं तुम्हें बाय बाय कहता हूँ. आई वॉन्ट अ मास्टर, मुझे तो ऐसा मालिक चाहिए हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मुझे तो ऐसा मालिक चाहिए जो कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या हो, शक्तिशाली हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट, बच्चों जब कभी हमें अपना स्टोरी में या पोएम में वाक्य, सेंटेंस सुंदर बनाना होता है, तो हम प्रेपोजिशन को पहले ले आते हैं. ये वाक्य ऐसे भी तो हो सकता था, द डॉग वेंट ऑफ, मगर हमने इसे सुंदर बनाने के लिए ऑफ को क्या किया, पहले लगा दिया. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द बेयर टू बी हिज मास्टर, तो कुत्ता चल पड़ा भालू के पास ये पूछने के लिए कि क्या वो उसका मास्टर बन सकता है, मालिक बन सकता है. ही आस्क द बेयर, उसने भालू से क्या पूछा,
Would you like to be my master bear? क्या आप मेरे मालिक बन सकते हैं भालू? The bear agreed to this readily. भालू इस बात के लिए तुरंत ही राजी हो गया. किसको अच्छा नहीं लगता भाई मालिक बनना, तो वो तुरंत ही सहमत हो गया कि हाँ भाई. And said to the dog, और कुत्ते से क्या बोले? वही जो भेड़िए ने बोला था. I don't see why not. मुझे नहीं लगता कि मुझे क्यों नहीं तुम्हारा मालिक बनना चाहिए. I don't see why not. Let us go. चलो चलते हैं and find a herd of cows. और गायों के एक झुंड को खोजते हैं, ढूंढते हैं, उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं. I will kill a cow. मैं एक गाय को मारूंगा, उसका शिकार करूंगा. And then we can both eat our fill. Eat our fill यानी अपना पेट भर के हम क्या करेंगे, उस काव को अपना शिकार बना के उसको खा लेंगे और हमारा पेट भर जाएगा. Said the bear to the dog. ये किसने कहा? भालू ने कुत्ते से कहा. They walked on. अभी हमने क्या पढ़ा था? They walked and they walked. उसी तरीके से हम on लगा देते हैं तो उसका मतलब भी यही होता है कि वो काम चलता गया. They walked on. वह चलते गए. एंड सून, जल्द ही saw a herd of cows. और उन्हें क्या जल्द ही मिला? एक गायों का झुंड. बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाले थे, अबाउट टू मतलब वो काम होने ही वाला था, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज. वो किसको सुनकर रुक गए, किस चीज़ ने उनको रोक दिया? एक टेरिबल आवाज़ ने, एक भयानक आवाज़ ने, टेरिबल माने भयानक आवाज़ ने उसको, उन दोनों को रोक दिया. The cows were mooing loudly. Cows क्या कर रही थी? Cows की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? रंभाना, मू करना, मू मू. The cows were mooing loudly. गाय बहुत तेज से रंभा रही थी. And running, और क्या कर रही थी? दौड़ रही थी. कैसे दौड़ रही थी? In a panic, डर के दौड़ रही थी. In all direction, सब दिशाओं में डर के पैनिक में वह दौड़ रही थी. The bear looked out from behind a tree. तब भालू ने एक पेड़ के पीछे से देखा. And then, और तब, he too, वह भी ran hastily, तेजी से भागा. Deeper into the forest, जंगल में अंदर ही अंदर भालू भी तेजी से भागा. Now why did I have to come here? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? Said the bear to the dog. भालू ने ऐसा कुत्ते से कहा. It is the lion. ये तो शेर है. Who rules the forest in these parts? जो कि जंगल के इन भागों पे राज करता है. Rule यानी राज करता है. यह तो शेर है जो कि जंगल के इन भागों में राज करता है. The lion, who is he? Asked the dog. कुत्ते ने पूछा, lion, शेर, कौन है ये? Don't you know? Bear ने कहा, क्या तुम नहीं जानते? He is the strongest beast on the earth. वह तो इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली जानवर है. Beast माने जानवर, बड़ा शक्तिशाली जानवर beast कहलाता है. Well then, अच्छा तो, I will say goodbye to you bear. मैं भालू तुमसे अलविदा लेता हूँ, bye bye करता हूँ. I want a master. मुझे तो एक ऐसा मालिक चाहिए who is stronger than anyone on earth. जो कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो. And off the dog went to ask the lion to be his master. तो कुत्ता चल पड़ा शेर से ये पूछने के लिए कि क्या वो उसका मालिक बनेगा. He asked the lion, उसने शेर से पूछा, Would you like to be my master lion? शेर साहब, क्या आप मेरे मालिक बनना पसंद करेंगे? The lion agreed to it and said, I don't see why not. इस बात के लिए शेर सहमत हो गए, राजी हो गए और उन्होंने कहा, मैं नहीं देखता कि क्यों नहीं, हाँ बिल्कुल ज़रूर. The dog stayed with him. कुत्ता उनके साथ रहने लगा and served him, और उनकी सेवा करने लगा. For a long, long time, काफ़ी लंबे समय तक वह उनका servant रहा. It was a good life. यह जो उसकी ज़िंदगी थी कैसी थी? अच्छी थी. And he had nothing to complain of. और उसे किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं थी. For यहाँ पे आप देख रहे हैं उससे पहले एक कॉमा लगा है. जब कभी कॉमा लगता है for के आगे तो उसे हम क्योंकि पढ़ते हैं. For there was no stronger beast in the forest. क्योंकि शेर से ज़्यादा शक्तिशाली जानवर कोई जंगल में था ही नहीं. And no one dared touch the dog.
और कुत्ते को छूने भर की भी हिम्मत कोई नहीं करता और ऑफेंड हिम या उसे ठेस पहुंचाता इन एनी वे, किसी भी तरीके से उसे ठेस पहुंचाना, दुख देना, यह इतनी हिम्मत कोई नहीं करता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम, वह दोनों, वर वॉकिंग साइड बाई साइड, वह चल रहे थे एक दूसरे के अगल बगल, अलोंग अ पाथ, एक रास्ते पर, दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ्स, जो किसके बीच में से होके गुजरता था, क्लिफ के बीच में, और ये क्लिफ कैसी थी, चट्टाने, खड़ी चट्टाने, जिसके एक ओर खाई होती है, वैसी पहाड़ियाँ होती हैं, किससे बनी हुई, चट्टानों से बनी हुई, वो क्लिफ ना, उनके बीच में से एक रास्ता जा रहा था, उसमें वो दोनों अगल बगल चल रहे थे, व्हेन ऑल ऑफ अ सडन, जब तभी अचानक, द लायन स्टॉप्ड, शेर रुक गया, ही गेव अ ग्रेट रोर, उसे बहुत तेज भयानक दहाड़ लगाई, एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और जमीन को तेज से मारा, विद हिज पॉ, अपने पंजे से, विद सच फोर्स, और इतनी ताकत से, दैट अ होल फॉर्मड देयर, कि वहां एक गड्ढा बन गया, देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और तब वो धीमे धीमे पीछे होने लगा, बहुत धीमे धीमे पीछे होने लगा। What is it, master? क्या बात है मालिक? Is anything wrong? क्या कुछ गड़बड़ है? Asked the dog surprised. कुत्ते ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा. I smell a man coming this way, the lion said. शेर ने कहा, मैं एक आदमी को इस रास्ते आते हुए सूंघ सकता हूँ. We would better run for it. हमारे लिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं. Or we will be in trouble. वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे. Oh, well then. Oh, अच्छा तो, I will say goodbye to you, lion. मैं शेर आपको अलविदा कहता हूँ. I want a master who is stronger than anyone on earth. मुझे तो एक ऐसा मालिक चाहिए जो कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. शेर से भी डॉग ने यही कहा, जैसा उसने किस किस से कहा था, भेड़िए से और भालू से. And off the dog went to join the man. और कुत्ता चल पड़ा मनुष्य से मिलने के लिए. And he stayed with him. और वो उसके साथ रहने लगा. And served him faithfully. और उसकी सेवा करने लगा. कैसे? पूरी वफादारी से. Faithfully यानी पूरी वफादारी से. This happened long, long ago. यह कब हुआ? बहुत बहुत समय पहले. But to this day, मगर आज तक, the dog is man's most loyal servant. पर आज की डेट तक, आज के दिन तक, कुत्ता क्या है? इंसान का सबसे ज्यादा वफादार सेवक. And knows no other master. और मनुष्य के अलावा, आदमी के अलावा उसे कोई भी दूसरा मालिक नहीं पता. So this is how the dog found himself a new master. I hope you like this story and learned new words and their use in this story. Thank you.